गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अतिन रंधावा हूँ। ये लगने वाला था, अभी मेरे हाथ में, यहाँ पे मेरा हाथ लगा ना, ये बोलते हैं यहाँ पे ग्रीस वगैरह लगी होती है। तो अभी जस्ट गाड़ी स्टार्ट की है और मैं निकल रहा हूँ ज़रा कांगड़ा की तरफ को, क्योंकि आपको पता है जैसे कि यार ये गाड़ी कल आई है, अभी ऊपर कैनोर वगैरह ओके हालत ख़राब। तो निधि को जो है बरसाले वगैरह पे छोड़ के आए थे, तो अभी बरसाला ही चल रहा है उसका, लेकिन बीच में आज पेपर है उसका, लास्ट पेपर। तो मैंने कहा जा जाते हैं और देखते हैं क्या बोलती है आने के बारे में वो। बाकी बड़े दिन हो गए गए भी, तो इसलिए जाना भी ज़रूरी है, याद आ जाती है इसलिए। बाकी अभी गाड़ी स्टार्ट की है, थोड़ा वो सामान लेके आ गया, अंदर रख दिया मैंने, और बाकी का जो है वो अभी अंदर ही पड़ा है, उसको भी लेके आते हैं। लेकिन एयर कंडीशन देखो गाड़ी की, क्या मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है ऑफ रोडिंग करके आई है अच्छी खासी गाड़ी। वाह यार, ये मिट्टी के स्प्लैशेस देखो कितने कितने, मतलब कहाँ कहाँ तक गए हैं और बिल्कुल ऊपर ऊपर तक, पीछे से तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। रियर व्यू मिरर में दिखता क्या होगा इसमें, पर दिख जाता होगा अंदर से थोड़ा बहुत। तो ये ऊपर के रोड जो ऐसे ही हैं थोड़े ख़राब वगैरह, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके मैंने छोड़ दिया है दो के मिनट में, जब तक मैं सामान वगैरह लेके आ रहा हूँ। तो अभी ना बाकी सामान भी रख लिया है, यार एसी भी ऑन नहीं करके गया था मैं अंदर, सुबह सुबह ही गर्म होने शुरू हो जाती है गाड़ी। तो सामान वगैरह सारा रख लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। आई होप कुछ भूल नहीं गया हूँ, साथ में एक बनाना ले आया हूँ खाने के लिए रास्ते में, वैसे तो ब्रेकफास्ट कर लिया लेकिन फिर भी जरूरत पड़ जाती है कई बार, भूख लगती है थोड़ी बहुत। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं कांगड़ा की तरफ को, बाकी रास्ते में बातें करते हुए चलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हुए हैं और मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा है, पहले पीछे जैसे तो काफ़ी ज़्यादा बरसातें वगैरह हो रही थी, तब तो रास्ते वगैरह बंद हो रहे थे, पहाड़ वगैरह गिर रहे थे। इवन कि एक एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि निधि को फेस करना पड़ गया था कि आधी बार जो है पहाड़ वगैरह लैंडस्लाइड हो गई थी, तो कितने तीन घंटे तक वहाँ पे वो बस में बैठी रही, और मतलब ख़तरा होता है पहाड़ों में ना बरसात के टाइम पे। तो अभी तो मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा हो गया है और आप देखोगे तो धूप वगैरह लगी हुई है अच्छी, लेकिन यह मौसम अभी थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया। तो एसी तो मैंने चलाया हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा ठंडा है, सुबह शाम तो अच्छा ठंडा हो जाता है, दिन में थोड़ी गर्मी हो रही है, और वो भी अब जल्दी जाने वाली है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं। तो बाकी इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने एक और चीज़ ली है, मैं बताता हूँ आपको, मैं जो एक दो प्रैंक वीडियोस बनाई थी ना उसमें क्या हो रहा था कि ऑडियो वगैरह अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने माइक लिया है ब्लूटूथ वाला, जो फ़ोन से मैं कनेक्ट करके माइक यहाँ पे अंदर कहीं लगा सकता हूँ जिससे कि ऑडियो अच्छी आए। तो मैं सोच रहा हूँ निधि पे ना एक प्रैंक भी कर डालूँ इस बार जब जा रहा हूँ तो, लेकिन ये है कि इस वीडियो के आने से पहले मेरे को वो प्रैंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वीडियो उसने देख ली तो उसको पता होगा कि मेरे पे प्रैंक होने वाला है। तो अभी काफ़ी दिन हो गए हैं प्रैंक हुए भी, तो शायद उसको आइडिया नहीं होगा, मतलब या एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि ऐसे प्रैंक भी हो सकता है। तो अभी इस बार जाके प्रैंक का भी ट्राई करना है, और अगर हो गया हुआ ये प्रैंक तो आपको नेक्स्ट वीडियो शायद प्रैंक भी देखने को मिले। तो अभी देखो ऊपर जो है मौसम वगैरह थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया, जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं बादल वगैरह हो गए हैं, वैसे तो बताया नहीं है अभी दो के दिन तक तो धूप वगैरह ही बताई है, लेकिन फिर भी मौसम वगैरह थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है, बादल वगैरह दिख रहे हैं। तो बारिश तो वैसे अच्छी लगती है, चलो खतरनाक जरूर होती है लेकिन मेरे को बड़ी पसंद है, मतलब जो है बारिश होती है और ड्राइविंग बारिश में मज़ा आता है वैसे। अभी आगे जो मौसम वगैरह देखो कितना मस्त हो गया है ना, जैसे जैसे आगे जाते हैं मेरे को लग रहा है आज बारिश भी चाहे हो जाए। अभी मैं क्लो पहुंच गया हूँ, और सच्ची यार मेरे को ऐसा लगा नहीं था वैसे, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में दिखाया कि धूप ही धूप रहेगी दो के दिन और, लेकिन बादल देख के ऐसा लग रहा बारिश भी आ सकती है। बाकी इस जगह का व्यू ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, जब भी आता हूँ ना यहाँ बड़ा सुकून सा मिलता है, एक तो मंदिर है यहाँ पे, ये जय हो, और वैसे भी यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है इस जगह ऊपर आके क्लो का। और देखते देखते यहाँ पे ना शीशे पे छिट्टे भी पड़ने शुरू हो गए हैं, पता नहीं यहाँ पे समझ आ रही है दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन पड़े हुए हैं थोड़े से ना। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर कांगड़ा में, मतलब अपने ससुराल, और अभी सामान वगैरह लेके जाना ऊपर। रिएक्शन नोट करते हैं निधि का कैसा रहता, बाकी बादल बहुत हो गया, बारिश आने वाली है जल्दी।
तो अभी निधि को ले लिया और एग्ज़ाम दिलवाने लेके जा रहा हूँ मैं इसको। मैं भूल ही गया था रिएक्शन लेना, मतलब मैं नीचे से सोच के गया कि ऊपर जाके निधि का मतलब फ़ोन वगैरह ऑन करूँगा, रिएक्शन लूँगा कैसा करती है क्या इतने दिन बाद। रिएक्शन तो क्या दिया था, बस ये पानी लेके चली हुई थी, नींबू पानी। मैं भी ऊपर भी नहीं पहुँचा था, नींबू पानी पहले तैयार था। आपको कैसे पता मैं इसमें आ गया हूँ? आप नीचे बस गाड़ी के गाने लगे थे, मतलब वो मोड़ मार रहे थे। उस टाइम पे आपने बनाना शुरू किया था, इतनी फास्ट बना लिया। मैं नींबू पानी बनाता था, मेरे को तो आधा घंटा लग जाता था। चलो अभी बाकी मौसम वगैरह जो है ना बेईमान हो रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा ये वो वाला तो जो मैं दही बल्ले बनाती हूँ, तो दही बल्ले जिसकी मैं वीडियो देखती हूँ ना वो भी ऐसे। अच्छा हाँ हाँ है, एक शेफ है आए कहाँ, थोड़ा ऐसे मैं जीला डालना है, कोल्लू मोल्लू सा है, मतलब बड़ा सही सा बंदा है, बट अच्छा उसकी बताई हुई चीज अच्छी बनती है। मैंने जो चिप्स बनाए थे ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे चिप्स बनाए, बड़ा क्रंची बने, उसी की वीडियो देख के बनाए थे मैंने। उसकी चीज बताई है, मेरे दही बल्ले भी तभी तो अच्छे बनते हैं। हां अच्छे थे उसकी वीडियोस, दही बल्ले ना ज्यादा कड़े होंगे और पता नहीं क्या। बाकी मौसम ना बादल बादल से हो गए हैं, बारिश वगैरह, रास्ते में थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन अभी जो है पता नहीं होती कि नहीं, देखते हैं। अभी एक घंटे बाद निधि का पेपर है, तो पहुंच जाते हैं जाके इसके इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज टाइम से, ताकि एग्ज़ाम दे, और फिर उसके बाद शाम को ऊना ले जाना मैंने लड़की को, ऊना लेके जाने आया हूँ मैं। अच्छा ये तो मैंने बताया आपको, आपको तो पता नहीं था, बड़े अंदर बैग बुक रख रहे थे, मैंने बोला बैग मत रखो अंदर, वापस जाना ऊना। अच्छा मैं कल नहीं बोल रहा था मैं ले जाना, या मैं पहले नहीं बोलता था, मैंने लास्ट पेपर जैसे ही होगा साथ में ले जाना। देखा चीज बोलते ना सरस्वती माता का बाप हो जाता है, इससे तो कुछ और बोला करो ना रोज रोज यार, ये सब चीजें हो जाती हैं। चलो मैं जो बोलता हूँ ना अच्छा ही बोलता हूँ, इसलिए आप सुन लिया करो मेरी, कहना मान लिया करो। मानती हूँ मैं, आपके लिए जो बोलता हूँ अच्छा ही होता है, मतलब हो ही जाता है। और बस पहुँचने वाले हैं निधि के कॉलेज, और निधि को डर लग रहा है क्योंकि इसने पढ़ाई पढ़ाई की नहीं है और पेपर इसको आता नहीं है। बढ़ दे से मैं बोल रहा था पढ़ ले, चक्कर ये है ना कि बाकी पेपरों में दो दो छुट्टियाँ थी, तो उसमें फिर भी पढ़ाई कर दे, इसमें थी 8-10 छुट्टियाँ, तो बस जो 8-10 छुट्टियाँ दिखती ना तो आदमी सोचता है यार इतनी छुट्टियाँ हैं, थोड़े दिन बाद पढ़ लूँगी, और थोड़े दिन होते होते पेपर सिर पे आ जाता है और पढ़ता कुछ भी नहीं है। तो क्यों देते हैं इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ? सच्ची यार क्यों देते इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ, मतलब निधि होती ना तभी ठीक था इससे। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया, जब अपने टाइम पे जब ज़्यादा छुट्टियाँ होती थी तो नहीं पढ़ा जाता था, जिसमें एक या दो छुट्टियाँ होते थे पेपर में उसमें टेंशन होती थी यार सिर्फ दो दिन है इस पेपर के बाद, फिर दो दिन ही है पेपर है, या एक ही छुट्टी है फिर पेपर होना, बाद में पढ़ लेता है टेंशन में। तो आ गए निधि के कॉलेज, और कैसा लग रहा है लास्ट पेपर? दक दक हो रही है। दक दक, इसके बाद ये कॉलेज खत्म फिर आपका? हाँ। लास्ट टाइम आ रहे हो इसमें, पर ये है कि वो आओगे आप लेने फाइनल टीपी डीएमसी वगैरह, फिर वही कम रह जाएगा, फिर खत्म इसका काम। ऑल द बेस्ट। तो अभी मेरे को लगता है एग्ज़ाम हो गया होगा, 3:30 हो गए हैं, इनफैक्ट 3:38 हो चुके हैं, तो अभी निधि किसी भी टाइम बाहर आती होगी क्योंकि वहाँ से लड़कियाँ वगैरह बाहर आना शुरू हो गई हैं, तो वेट करते हैं आ जाएगी फटाफट, और फिर चलते हैं आके घर की तरफ। वो आ गई, बातें करते करते आ गई। मेरे को पता है कि पूछोगे कि कैसा हुआ? अच्छा हुआ, अच्छा बस ठीक हुआ, पास होने जगह हो गया। 16 नंबर आ जाएंगे यार, मजाक करनी मतलब बस 16 ही मजाक कर। सीट बेल्ट पार्ट डालो, चले फिर सीट बेल्ट पाओ, यही बोल रहा था ना, सीट बेल्ट। क्या खाया? मेरे को खुशबू आ रही है, बताओ। खाया कुछ को यार? क्या कुछ को? क्या खाया? कुछ को ये कब का पड़ा है? ये तो पहले का है। ये सफाई करनी वाली है गाड़ी की यार, सफाई करनी है, टाइम नहीं लग रहा। ये देखो पानी ये चल पड़े हम, कुछ हाथ तो नहीं रहा पीछे। ओए देखो यार रास्ते में देखो क्या देखने को मिला, ओहो इको स्पोर्ट पलट गई हुई है, मेरे को लगता बहुत तेजी से जा रहे होंगे ना ये, इसीलिए पलटी है। देख लो ये हाल होता है, इसीलिए पहाड़ों में कभी भी तेज नहीं चलानी चाहिए गाड़ियाँ। देखो कैसे पलटी पड़ी है वहाँ पे इको स्पोर्ट। नंबर तो वैसे HP था, लेकिन फिर भी यार गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे यहाँ लोकल हो चाहे बाहर से आए हो, हद से ज़्यादा अगर किसी गाड़ी की लिमिट तक पहुँचाओगे उसको
तो फिर ऐसे हादसे होते ही हैं। तो अभी हम फाइनली निकल चुके हैं घर से और निधि ने चेंज वगैरह कर लिया, कपड़े वगैरह नए नए कपड़े डाल लिए हैं, लाल लाल बिल्कुल नई नई शादी वाली लड़की। और टाइम क्या हो रहा है, 5:30 होने लगे हैं, आराम आराम से जाएंगे 6:30, 7:30, 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो अभी वैसे थोड़ा थोड़ा जो मौसम क्या अंधेरा सा होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा ना मौसम चेंज हो गया तो सर्दियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, तो अंधेरा भी जल्दी हो जा रहा है आजकल 6:30 तक ही। तो अभी 5:30 हो रही हैं, तभी देख लो इतना अंधेरा हो गया। फ़ोन में पता नहीं कितना समझ आ रहा होगा, लेकिन अंधेरा होना शुरू हो गया अभी। ठीक है, तो फाइनली घर पे पहुंच गए हैं हम। और कर दिया मम्मी को फोन। हाँ जी, मरी पुजी वाला एक अन्नी दीदी ने पुजी बोले। हाँ ठीक है, तो गर्मी लग रही है यार आके वापस। वैसे तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ना कि एक तो बैग वगैरह उठा के लेके आए और ह्यूमिडिटी हो गई, तो एसी से एकदम से निकले ना तो गर्मी लग रही है ना। बाकी इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।